नमस्कार विद्यार्थियों, आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल RPSC विद नवीन सैन्य में स्वागत है। विद्यार्थियों, आज हम यूनिट नंबर 8 की क्लास नंबर 3 जो कि अंतिम क्लास है इस यूनिट की अंतिम क्लास है, उसको आज उसका अध्ययन करेंगे अपन। ठीक है विद्यार्थियों, तो ये यूनिट नंबर 8 की भी अंतिम क्लास है और अपने जो सेकेंड ग्रेड की जो साइकोलॉजी है, सेकेंड ग्रेड साइकोलॉजी, और उसकी भी अंतिम क्लास है। इसी वीडियो के साथ आपकी साइकोलॉजी है जितनी भी सेकेंड ग्रेड में लगती है वो सारी की सारी क्या हो जाएगी, कंप्लीट हो जाएगी। ठीक है विद्यार्थियों, तो चलिए पढ़ते हैं। सामाजिक कौशल का मतलब होता है समाज के साथ तालमेल बिठाने का जो कौशल होता है, सामंजस्य बिठाने का जो कौशल होता है उसे हम सामाजिक कौशल कहते हैं। सामाजिक कुशलता से तात्पर्य उन कुशलताओं से जिनके माध्यम से व्यक्ति प्रभावी रूप से सामाजिक अंत्यक्रिया में भाग ले सके, अर्थात समाज के साथ परफेक्टली अंत्यक्रिया कर सके। जो व्यक्ति इन कुशलताओं में प्रवीण होते हैं वे कोई ऐसा कार्य करने में सफल होते हैं जो अन्य व्यक्तियों से अंत्यक्रिया पर निर्भर करता है, अर्थात जहाँ जहाँ पर अन्य व्यक्तियों के साथ अंत्यक्रिया करने का काम पड़े वहाँ पर ये लोग क्या होते हैं, अंत्यक्रिया करने में कुशल होते हैं। अंत्यक्रिया करने में क्या होते हैं, कुशल होते हैं। ठीक है, अतः बालकों को समाज में रहने के लिए कुछ सामाजिक कौशलों को विकसित करना होता है। अब ये सामाजिक कौशल कौन कौन से हैं? पहला है संप्रेषण कौशल। तो दो व्यक्तियों में अंत्यक्रिया बिना संप्रेषण के संभव नहीं हो सकती। ठीक है, तो अंत्यक्रिया संप्रेषण से होती है। संप्रेषण का मतलब होता है दो व्यक्तियों में आपस में विचारों का जो आदान प्रदान होता है वो। ठीक है, द्वंद्व प्रबंधन। द्वंद्व मतलब कोई भी दो चीज के बीच में फंस जाए कि ये करूं या ये करूं या दोनों नहीं करूं, क्या करूं, तो इस स्थिति को बोलते हैं द्वंद्व। तो द्वंद्व का मैनेजमेंट करना, इस स्थिति को हैंडल करना, यह भी एक तरीके का सामाजिक कौशल है। बालक समाज में रहते हुए दैनिक जीवन में कई बार स्वयं से या अन्य व्यक्तियों के विचारों से द्वंद्व करता है, अर्थात उनमें क्या होता है, द्वंद्व उत्पन्न होता है। बालक को समाज में समायोजित होने के लिए इन द्वंद्वों का प्रबंधन करना चाहिए, अर्थात इन द्वंद्वों का क्या करना आना चाहिए, उसको मैनेजमेंट। ठीक है, आगे बढ़िए। अगला है नेतृत्व कौशल। तो बालकों में नेतृत्व मतलब लीडरशिप, नेतृत्व की क्षमता विकसित करनी चाहिए, मतलब इनमें क्या होनी चाहिए, लीडरशिप होनी चाहिए। ठीक है, आगे बात समझो। नेक्स्ट, उत्प्रेरक परिवर्तनशीलता कौशल। सामाजिक परिवर्तन के अनुरूप स्वयं बालक में उत्प्रेरक परिवर्तन मतलब समाज के साथ और समय के साथ साथ अपने को बदलना चाहिए, बालक में परिवर्तन होना चाहिए, यानी समाज में समय के साथ चलना चाहिए। समय के साथ चलने से अभिप्राय है कि अंधविश्वास, रूढ़िवादिता, गलत परंपराओं को त्याग कर सामाजिक विकास के कौशल को विकसित करने से है। ठीक है, और क्या क्या आता है सामाजिक कौशल में, संबंधों के निर्माण का कौशल, अर्थात कई कई लोग होते हैं कि जो समाज में बहुत जल्द ही नए लोगों के साथ घुल मिल जाते हैं, मतलब संबंध डेवलप करने का इनके अंदर क्या होता है, गुण होता है। समूह योग्यता कौशल मतलब समूह में किस प्रकार से मतलब अपने आप को एक्सप्रेस करना है, ठीक है, अन्य लोगों के साथ कैसे कम्युनिकेशन बिठाना है, तो ये होता है समूह योग्यता कौशल। और सहयोग कौशल मतलब सहयोग की भावना भी होनी चाहिए, ठीक है, क्योंकि एक सामाजिक प्राणी है वो एक अच्छे लेवल का क्या होता है, सहयोगी नेचर होता है उसका, हेल्पफुल नेचर होता है। अब है सामाजिक कौशल और शिक्षा। सिखाए जाने वाले कौशल का संगति, निरंतरता और जटिलता के रूप में विश्लेषण करना चाहिए, ठीक है, और शिक्षक को कौशल का वर्णन तथा प्रदर्शन करना चाहिए। ठीक है, कोई भी कौशल, सामाजिक कौशल सिखाए तो उसका वर्णन करना चाहिए और उन बच्चों के समक्ष प्रस्तुत करके भी दिखाना चाहिए, प्रदर्शन करके। कार्य करने की बच्चों को पर्याप्त स्वतंत्रता भी देनी चाहिए ताकि उनमें अच्छा सामाजिक कौशल डेवलप हो। ठीक है, छोटे समूह में सहभागिता की भावना जागृत करनी चाहिए, मतलब बच्चों को कोई भी कार्य ग्रुप के अंदर दो कि आप चार लोग मिलकर ये कार्य करोगे, तो इससे क्या होगा, इससे उनमें ये सारी योग्यताएं डेवलप होगी, वो समूह में रहना सीखेगा, आपस में तालमेल बिठाना सीखेगा, आपस में सहयोग करना सीखेगा। तो ऐसी चीज़ें भी एक शिक्षक को करनी चाहिए। और बच्चों के समक्ष अच्छे आदर्श वे उचित उदाहरण क्या करने चाहिए, प्रस्तुत करने चाहिए, जिससे बच्चा उनका क्या करे, अनुकरण करे और स्वयं भी एक अच्छा नागरिक बने। ये एक अच्छे शिक्षक का दायित्व है। तो हमने अभी तक सामाजिक कौशल पढ़े, अब हम पढ़ेंगे मनोवृत्तियाँ या अभिवृत्तियाँ। इससे तात्पर्य है एक तरीके से पॉइंट ऑफ व्यू, मनोवृत्तियाँ अभिवृत्तियाँ अर्थात दृष्टिकोण आता है। ठीक है, तो इसमें क्या होता है कि किसी दृष्टिकोण, नजरिया, ठीक है, नजरिया, इसे बोलते हैं अभिवृत्ति। तो देखो, किसी व्यक्ति का किसी विशिष्ट वस्तु या अन्य व्यक्ति या घटना के प्रति सकारात्मक या नकारात्मक जो दृष्टिकोण होता है उसे ही मनोवृत्ति कहते हैं। मनोवृत्ति के तीन घटक होते हैं, एक संज्ञानात्मक घटक, एक भावात्मक घटक और एक व्यवहारात्मक घटक।
ठीक है। और इन मनोवृत्तियों के तीनों घटकों को ए बी सी कहा जाता है, ठीक है। ए से अफेक्टिव, बी से बिहेवियर्ड और सी से है कॉग्निटिव ऑफ एटीट्यूड कहा जाता है। क्योंकि देखो ये बी से बिहेवियर्ड हो गया, ए से क्या हो गया, ये आपका अफेक्टिव हो गया, ठीक है, ऐसे है, और सी से हो गया कॉग्निटिव। अब देखो सेकॉर्ड एवं बेकमन ने अपना क्या विचार प्रस्तुत किए, उन्होंने कहा कि अपने वातावरण के कुछ पक्षों के प्रति व्यक्ति के नियमित भाव, विचार और कार्य करने की पूर्ववर्ती ही अभिवर्ती है। अर्थात आप अपने वातावरण में हो, अपने आसपास के वातावरण के जो कुछ पक्ष हैं, जैसे सामाजिक पक्ष, घरेलू पक्ष, कुछ भी हो, ठीक है, कोई भी एक पक्ष है, उसके प्रति आपके पहले से ही जो धारणा आपके अंदर उपस्थित है कि समाज में ये चीज़ ऐसे है, समाज ऐसा है, समाज के लोग ऐसे हैं, ये कार्य इस प्रकार से होता है, पहले से आपकी जो भी धारणाएं आपके अंदर उपस्थित है वही आपकी अभिवर्ती है, वही आपका दृष्टिकोण है, वही आपका नज़रिया है। अब इसकी अभिवर्ती की क्या विशेषताएं होती है, तो अभिवर्तियां अर्जित होती है, ये क्वेश्चन एग्जाम में कई बार पूछा हुआ है, आगे भी पूछेंगे कि अभिवर्तियां होती है जन्मजात, अर्जित, जन्मजात या अर्जित दोनों, या दोनों में से कोई नहीं। तो अभिवर्ती अर्जित होती है, प्राणी संसार में जन्म लेने के बाद में इसे सामाजिक वातावरण से इसको ग्रहण करता है। अभिवर्तियों का प्रसार क्षेत्र पूर्णतः सकारात्मक से पूर्णतः नकारात्मक तक होता है। हो सकता है कि अभिवर्ती इस तरफ पॉजिटिव सकारात्मक है और इस तरफ नकारात्मक, तो हो सकता है कि ये पूरी की पूरी अभिवर्ती पॉजिटिव हो या पूरी की पूरी नेगेटिव हो या इनके बीच में कहीं पर भी हो सकती है, कुछ सकारात्मक कुछ नकारात्मक ऐसे। अभिवर्तियों की संख्या असीमित होती है, नजरिए असीमित होते हैं, दृष्टिकोण असीमित होता है। मनोवृत्ति क्या करती है, अपना जो व्यवहार होता है उसको डायरेक्शन प्रदान करती है। मनोवृत्ति क्या देती है, अपना जो नेचर होता है, अपना बिहेवियर होता है, उसको डायरेक्शन प्रदान करती है। अर्थात जैसा अपना सोच होगी, जैसा अपना नजरिया होगा, जैसा अपना दृष्टिकोण होगा, वैसा ही अपना समाज में क्या होगा, व्यवहार होगा। मनोवृत्ति के तीन घटक होते हैं, संज्ञानात्मक, भावात्मक और क्रियात्मक। उसमें ये भावात्मक घटक है वो सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण होता है। और मनोवृत्ति में स्थायित्व भी पाया जाता है, मनोवृत्ति स्थायी होती है, ठीक है, स्थायित्व होता है। एक जैसी उसकी मनोवृत्ति है, वो कितना भी बड़ी पोस्ट पर चला जाए फिर भी कुछ कुछ उसकी मनोवृत्ति वैसी रहेगी। मनोवृत्ति में अनुभवों के फल स्वरूप कुछ परिवर्तन भी होते हैं, जरूरी नहीं कि मतलब स्थायित्व होता है, इसका मतलब ये है कि ये पूर्णतया चेंज नहीं होती है, लेकिन इसमें एडिटिंग होती रहती है। क्योंकि जैसे जैसे आपके जीवन में अनुभव आपको मिलते जाते हैं, वैसे वैसे आपका देखने का नज़रिया, दृष्टिकोण भी बदलता जाता है। अब देखो अभिवर्तियों का मापन करने के लिए दो मापनियाँ हैं, एक तो थ्रस्टन अभिवर्ती मापनी और एक है लिकट अभिवर्ती मापनी। दो तरीके की मापनियाँ होती है, एक थ्रस्टन अभिवर्ती मापनी और एक लिकट अभिवर्ती मापनी, ठीक है विद्यार्थियों। अब अगला है अभिक्षमता या अभियोग्यता क्या होती है। अभिक्षमता या अभियोग्यता ये होती है कि आप फ्यूचर में किस पैसे को अपनाएंगे, इसको लेकर के, या किसी चीज़ को आप ग्रहण करना चाहते हैं, किसी पैसे को आप अपनाना चाहते हैं, तो उससे रिलेटेड आपके अंदर क्या योग्यता है, मतलब आपके अंदर की छिपी हुई योग्यता जिसे प्रशिक्षण देख करके उन्नत बनाया जा सके, वो क्या कहलाती है, अभियोग्यता या अभिक्षमता कहलाती है। तो किसी विशिष्ट विषय या क्षेत्र में ज्ञान या कौशल विकसित करने की क्षमता को अभिक्षमता कहते हैं, और अभिक्षमता किसी विशिष्ट क्षेत्र में ज्ञान प्राप्त करने की या सीखने की अंत्य शक्ति होती है। अभिक्षमता का मापन, ये सामान्य अभिक्षमता परीक्षण होते हैं और एक विशिष्ट अभिक्षमता परीक्षण होते हैं। तो सामान्य अभिक्षमता परीक्षण में क्या होता है, ऐसे परीक्षण जिसके द्वारा व्यक्ति की अभिक्षमता किसी एक विशिष्ट क्षेत्र में नहीं बल्कि कई विशिष्ट क्षेत्रों में एक साथ मापी जाती है, सामान्य अभिक्षमता परीक्षण कहलाते हैं। अर्थात पर्टिकुलर एक फील्ड की अभिक्षमता नहीं मापेंगे, नॉर्मली ऊपरी ऊपरी तौर पर सभी फील्ड को, मतलब दो चार फील्ड को, चार पाँच फील्ड को ऐसे लेकर के, और फिर उनकी ऊपरी तौर पर क्या माप ली जाएगी अभिक्षमता की, इसको लेकर इस बच्चे में टैलेंट है या नहीं। और इन परीक्षणों को मल्टीपल एटीट्यूड वो जो कहते हैं, ठीक है, ये मल्टीपल और एटीट्यूड में आता है, ठीक है ना, मल्टी एप्टीट्यूड और आगे ये है ना बेटेड रीस, तो इसमें आता है। आप इसको ऐसे ध्यान में रख लेना, याद रखने का तरीका कि सामान्य परीक्षण वो परीक्षण होते हैं जिनमें सभी क्षमताओं की, सामान्य सामान्य बातों की जाँच की जाती है, ऐसे ध्यान रखना। और इन परीक्षणों को DAT डिफरेंशियल एप्टीट्यूड टेस्ट भी कहते हैं और GAT भी जनरल एप्टीट्यूड टेस्ट बैटरी भी कहा जाता है, ठीक है ना। और ये सबसे प्रमुख है इन दोनों में, DAT और GAT भी। ये यहाँ पर T है, मल्टी एप्टीट्यूड बैटरीज होगा, ठीक है। अब विशिष्ट अभिक्षमता परीक्षण क्या होता है, विशिष्ट मतलब किसी क्षेत्र विशेष में, क्षेत्र विशेष को क्या करना, अभिक्षमता का मापन किया जाता है। तो इस परीक्षण द्वारा किसी एक विशिष्ट अभिक्षमता का क्या किया जाता है, मापन किया जाता है, ठीक है विद्यार्थियों। तो इसी के साथ अपना ये वीडियो कंप्लीट होता है, ये चार पेज की PDF है इस वीडियो में। इस PDF को आप प्राप्त करना चाहते हैं तो टेलीग्राम चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन में दे रखा है।
इसके अलावा बता दें विद्यार्थियों कि आपके इसी वीडियो के साथ आपकी सेकंड ग्रेड में जितनी भी साइकोलॉजी लगती है वो कंप्लीट हो चुकी है, ठीक है। सेकंड ग्रेड की साइकोलॉजी यहाँ पर कंप्लीट है, डन है। आपको इसके अलावा कुछ अन्य पढ़ने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। यदि आप इतना भी पढ़ लेते हैं तो ये आपके लिए भरपूर है, हाईली सफिशियंट है, ठीक है विद्यार्थियों। तो मैं आशा करता हूँ कि आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। यदि आपको अच्छा लगता है तो आप अन्य मित्रों, दोस्तों, अपने व्हाट्सएप ग्रुप में सब जगह इसको शेयर कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक, है ना, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। इसके अलावा आपकी अदर इंक्वायरी हो तो डिटेल है वो डिस्क्रिप्शन में दे रखी है, एक बार डिस्क्रिप्शन बॉक्स को खोल कर आप पढ़ सकते हैं, ठीक है विद्यार्थियों। तो मिलेंगे अपना नेक्स्ट सब्जेक्ट अपन स्टार्ट करेंगे उसमें मिलेंगे। तो नेक्स्ट सब्जेक्ट हम स्टार्ट करने जा रहे हैं इंडियन ज्योग्राफी। तो अब आपको नेक्स्ट डे से, मतलब कल से आपको इंडियन ज्योग्राफी के वीडियो मिलेंगे। अब हमने देखो अभी तक हमने चैनल पर क्या क्या कंप्लीट कर दिया, तो मैं एक पेज ऐड करके बताता हूँ कि हमने अभी तक राजस्थान वाला पोर्शन है तो राजस्थान वाले पोर्शन में हमने राजस्थान की हिस्ट्री कंप्लीट कर दी, राजस्थान का कल्चर कंप्लीट कर दिया, इसके अलावा राजस्थान की ज्योग्राफी है वो कंप्लीट कर दी, इसके अलावा राजस्थान की जो पॉलिटी लगती है वो भी हमने कंप्लीट कर दी। अब शेष बची सिर्फ एक चीज़ और वो है राजस्थान का करंट अफेयर, ठीक है। ये करंट अफेयर है वो हम जैसे एग्जाम होगा उससे एक महीने पहले सिर्फ 7 या 8 वीडियो अपलोड करेंगे, बस उनको पढ़ लेना, 10 में से आपको 6 से 7 क्वेश्चन गारंटी के साथ उसमें से मिल जाएंगे, ठीक है। और अब उसके अलावा हमने क्या पढ़ा है, और साइकोलॉजी है, साइकोलॉजी की यूनिट नंबर 1 से लेकर यूनिट नंबर 8 तक हमने अपलोड कर दिए, 1 से लेकर 8 यूनिट तक ये कंप्लीट कर दिया साइकोलॉजी। अब इसके अलावा क्या बचता है सिलेबस में, अब इसके अलावा सिर्फ सिलेबस में रहता है इंडियन एंड वर्ल्ड ज्योग्राफी, ये वर्ल्ड जीके, इंडिया एंड वर्ल्ड जीके। तो इसमें से हमने जो इंडियन पॉलिटी है तो इंडियन पॉलिटी को काफ़ी हद तक अपलोड कर दिया है, ठीक है ना, काफ़ी अपलोड की हुई है और भी अपलोडिंग चल रही है, उसको अपलोड कर दिया जाएगा। और इंडियन में दो चीज़ें हैं, एक तो इंडियन पॉलिटी और एक इंडियन ज्योग्राफी है, ठीक है। तो अब ये इंडियन ज्योग्राफी है वो हम कल से और शुरू कर देंगे, कल से शुरू होगी इंडियन ज्योग्राफी, ठीक है विद्यार्थियों। तो लगभग 80% सिलेबस कंप्लीट है, बाकी का जो 18-20% सिलेबस है वो भी जल्द कंप्लीट कर दिया जाएगा। इसके अलावा भी हमारे जो ढेर सारे जो कंटेंट है वो अपलोड है, उस सभी की PDF वगैरह आप प्राप्त करना चाहते हैं तो आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जा सकते हैं, ठीक है विद्यार्थियों। तो मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।